हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एमटीएस जो नॉन टेक्निकल स्टाफ के लिए जो वैकेंसी आए थे 2016 एग्जामिनेशन के, उसका आज फाइनल रिजल्ट कट ऑफ मार्क्स आ चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं खोल के दिखाऊंगा आपको साइट पे। देखिए यहाँ पे एसएससी का साइट पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करके देखिए, यहाँ देखिए आज आपका डेट कोना में देखिए डेट में लिखा हुआ है आपका 21 फरवरी 2018 जो आज आए हैं वो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ इन डिफरेंट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज 2016 कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड फॉर अपीयरिंग इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उन लोगों को बुलाया जाएगा। देखिए यहाँ राइट अप है, यहाँ रिजल्ट है। तो सबसे पहले राइट अप में जाएंगे। देखिए राइट अप में खुल गया आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ इन डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज 2016 कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड फॉर अपीयरिंग इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बच्चों को बुलाया जाने वाला है। वो एमटीएस जो 31 मार्च को रिजल्ट आने वाला था, आज 21 फरवरी को ही आ गया। बहुत जल्दी आ गया ये, काफ़ी एसएससी ने जल्दी ही एक्शन ले लिया इस पर। अब देखिए यहाँ पे एक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्टेड एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ 2016 फ्रॉम 16/9/2017 टू 31/10/2017 इन द कंप्यूटर बेस्ड मोड। मतलब 16 सितंबर से 31 अक्टूबर तक जो पेपर लिया था एमटीएस का पेपर 1, ठीक ना, उसी का आज उसमें द रिजल्ट ऑफ पेपर 1 अबव एग्जामिनेशन वाज डिक्लेयर्ड ऑन। और जो 15 जनवरी को रिजल्ट अपलोड किया गया था। और द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड इन पेपर 1 वर रिक्वायर्ड टू अपियर इन पेपर 2। और पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए जो जो बच्चे गए थे, वो जो कि उसका पेपर हुआ था 28 जनवरी 2018 का, आज उसका ही रिजल्ट आया है। इन विच अ टोटल कैंडिडेट्स ऑफ 1,43,657 कैंडिडेट्स अपियर। 1,43,657 बच्चे उपस्थित हुए थे पेपर 2 में। ओके, तो एज पर द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स फॉर इच स्टेट या यूनियन टेरिटरी विल बी फाइनली सेलेक्टेड बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन पेपर 1। मतलब पेपर 1 के अनुसार उन लोगों का सिलेक्शन हुआ है आपका स्टेट या यूनियन टेरिटरी में, ठीक है, सिलेक्शन किया जाएगा। सब्जेक्ट टू देयर मीटिंग बेसिक क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स फिक्स इन पेपर 2। जो भी पेपर 2 में जो मार्क्स है वो नीचे दिया गया है। द कमीशन हैज़ डिसाइडेड टू फिक्स क्वालिफाइंग मार्क्स 17.5 डेट इज 35% फॉर यूआर। देखिए 17.5 मार्क्स, केवल 17.5 मार्क्स जनरल के लिए जो 35% है। क्या है? 35%, जो केवल 17.5 मार्क्स है यूआर के लिए पेपर 2 में क्वालिफाइंग नेचर है। मात्र 17.5 नंबर और 16.5 नंबर 16.5 डेट इज 33% फॉर ऑल अदर रिजर्व्ड कैटेगरी इन पेपर 2। मात्र 16.5 नंबर सभी कैटेगरी का है, जो कि केवल 33% है क्वालिफाइंग नेचर पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए। क्वालिफाइंग मार्क्स इन पेपर 2 विल बी यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल स्टेट एंड यूनिटरी। मतलब क्वालिफाई जो मार्क्स है पेपर 2 का वो ऑल ओवर इंडिया में एक ही रहेगा, चाहे वो यूनियन टेरिटरी हो या कोई स्टेट्स हो। दी इवेल्युएशन ऑफ आंसर शीट फॉर पेपर 2 इज इन प्रोग्रेस। अभी पेपर 2 का जो क्वेश्चन है वो आप क्या हो रहा है, वो चल रहा है, अभी प्रोग्रेस में है। हाउ एवर टू एक्सपेड द रिक्रूटमेंट प्रोसेस द कमीशन हैज डिसाइडेड टू इमीडिएट स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और एसएससी चाह रही है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एमटीएस का वो क्या हो, जल्दी जल्दी काम चले, तो इसलिए वो जल्दी ही रिजल्ट को दे दिया है। देयर फॉर एज पर द प्रोविजन इन द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन फॉर फाइनल सिलेक्शन द कमीशन हैज शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट इन पेपर 1 प्रेफरेबल प्लस प्रीफरेंस ऑफ स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी एक्साइज फॉर देम इन द एप्लीकेशन फॉर्म। अब देखिए, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेरिट के आधार पे, मेरिट किस पे था? पेपर 1 के आधार पे, प्लस आपका जो प्रीफरेंस था, जो फर्स्ट में आपने प्रीफरेंस भरा था, चाहे वो कोई भी स्टेट का हो या कोई भी यूनियन टेरिटरी का हो, उसी के आधार पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। अकॉर्डिंगली द कमीशन हैज डिसाइडेड टू कॉल द कैंडिडेट्स for document verification in a ratio of 1:2 for vertical category vacancies that is SC ST OBC and UR। मतलब कहने का मतलब है कि एसएससी ने ये निर्णय लिया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा बच्चों का, वो होगा 1:2 के रेशियो में, मतलब एक वैकेंसी के लिए 2 बच्चे बुलाए जाएंगे जो कि एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या यूआर हो, जनरल हो। ठीक है, जैसे 100 वैकेंसी है तो 200 बच्चे बुलाए जाएंगे। लेकिन जब आप हॉरिजेंटल कैटेगरी वैकेंसी जैसे आता है कि एक्स, ओएच, एचएच या वीएच, वो उसके लिए 1:3 के रेशियो में बुलाए जाएंगे ओएच, एचएच, वीएच या एक्स स्टूडेंट के लिए। ओके, इन एबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स अकॉर्डिंगली बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन पेपर 1 प्लस प्रीफरेंस ऑफ स्टेट या यूनियन टेरिटरी एक्सरसाइज बाय देम इन द एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे जिसे आपका पेपर 1 में जितना भी मार्क्स है, जितना कट ऑफ है, उस पर यदि क्वालिफाई करते हैं और आपका जो प्रिफ्रेंस था स्टेट का या कोई यूनियन टेरिटरी का, उसी के आधार पे आपका मेरिट निकलने वाला है, परफॉर्मेंस के आधार पे। ठीक है, जैसे कि आप जो प्रिफ्रेंस दिए थे एप्लीकेशन फॉर्म में, उसी के आधार पे। एंड कीपिंग इन व्यू द टेंटेटिव वैकेंसी इन ईच स्टेट या यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी में जितना भी वैकेंसी है उसी के आधार पे। ठीक ना, द कमीशन हैज फिक्स्ड द फॉलोइंग कट ऑफ। अब देखिए नीचे कई कट ऑफ्स हैं जो बच्चों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जरूरत है। यदि आप इस क्वालिफिकेशन कट ऑफ को पास करते हैं तो डेफिनेटली आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जैसे देखिए, अब देखिए यहाँ क्या है, रीजन जैसे सीआर है, इसमें यूपी, बिहार जैसे स्टेट, यूनियन टेरिटरी है। कोड एससी के लिए देखिए बिहार सीआर में आपका दिया हुआ 127.50 कट ऑफ, एसटी में जो है 120.50, एक्स में 102.75, ओएच में 125, एचएच में कुछ नहीं है, एक ओबीसी 131.5, वीएच और जनरल में 132.5 ये है कट ऑफ। अब देखिए उसी तरह आप मिला लीजिए, हम सब तो नहीं पढ़ पाएंगे लेकिन आप मिलाइए अपना कौन सा प्रीफरेंस भरे थे, कौन सा स्टेट भरे थे या यूनियन टेरिटरी भरे थे, उस हिसाब से मिलाइए आप और अपना कट ऑफ फिक्स देखिए आप कौन सा कैटेगरी में आते हैं, एससी आते हैं, एसटी आते हैं, एक्स, ओएच, एचएच, ओबीसी आते हैं, वीएच आते हैं या जनरल आते हैं। आप अपने स्टेट या अपने यूनियन टेरिटरी और अपने कट ऑफ के हिसाब से, अपने कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ मिला लें। यहाँ पे देखिए सब दिया हुआ है। ठीक, मैं अब नीचे आता हूँ। अब देखिए 5 नंबर में बोल रहा है यहाँ पे कि 23,000, देखिए 23,511, 23,511 कैंडिडेट्स आर क्वालिफाइड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगेंस्ट 10,302 वैकेंसीज रिपोर्टेड बाय यूजर ऑर्गेनाइजेशन एज ऑन डेट। मतलब आज तक 10,302 वैकेंसी के लिए टोटल 23,511 बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्वालिफाई हुए हैं। ठीक है, उसके बोल रहे स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज एंड ब्रेकअप इज एज फॉलो। अब कौन सा स्टेट में कितना कितना वैकेंसी है, कौन कौन सा कैटेगरी है, वो नीचे दिया हुआ है। देखिए रीजन सीआर बिहार या यूपी, कोड इसका दिया हुआ है, एससी का 22 है, एसटी का 26 है, एक्स का 12 है, ओएच 6 है, एचएच 0 है, ओबीसी 70 है, वीएच 0 है, यूआर 146 है, टोटल 282 वैकेंसी है। ठीक है, उसी तरह आप अपना जो भी प्रीफरेंस था आपका स्टेट या यूनियन टेरिटरी, आप अपना मिला लें वैकेंसी के आधार पे, उसी के आधार पे आपका कितना कितना वैकेंसी है वो आप देख लें। अब देखिए यहाँ टोटल वैकेंसी कितना है, 23,511 बच्चे को इस तरह करके बुलाया गया है। मतलब कहाँ कहाँ कितना कितना बच्चा सेलेक्ट हुआ है वो देखिए, सीआर के लिए इतना बच्चा सेलेक्ट है, बिहार में 282, सीआर यूपी 710, ईआर झारखंड में 32 बच्चे सिलेक्शन हुए हैं, उड़ीसा में 161 बच्चे सिलेक्शन हुए हैं, वेस्ट बंगाल में 1001 बच्चे सिलेक्ट हुए। टोटल कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, आपका टोटल 23,511। अब देखिए अब हो रहा है नोट 1 में कि कैटेगरी एंड स्टेट ऑब्लिक यूनियन टेरिटरी कोड यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग द रिजल्ट ऑफ पेपर 1 हैव बीन यूज्ड इन रिजल्ट प्रोसेसिंग फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब कहने का मतलब ये है कि पेपर 1 में जो भी बच्चे पास हैं उसी को आपका आधार पे कैटेगरी और स्टेट जो यूनियन टेरिटरी या स्टेट भरे हैं आपके, उसी के आधार पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी मीटिंग द कट ऑफ फिक्स्ड फॉर यूआर कैटेगरीज आर शोन इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी। मतलब कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो कि कोई रिजर्व कैटेगरी में आता हो, मीटिंग द कट ऑफ फिक्स्ड फॉर यूआर, और यदि यूआर के लिए जो फिक्स किया हुआ है यदि उसको वहां पे आप मार्क्स को क्वालिफाई करते हैं, आर शोन इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी, आपको उस रिस्पेक्टिव कैटेगरी में दिखाया जाएगा। मतलब यदि आप यूआर में क्वालिफाई करते हैं, यूआर के लिए मार्क्स है तो यूआर के लिए में आपका नंबर दिखेगा, मतलब नाम दिखेगा। अब देखिए पेपर नोट 3 में ड्यू टू एडवांस एक्शन टेकन बाय कमीशन इन conducting document verification on the basis of performance of candidates in paper 1। पेपर 1 के आधार पे जैसा भी आपका परफॉर्मेंस था उसी के आधार पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को कंडक्ट करने के लिए जो एसएससी ने क्या किया, ये एक्शन लिया है। इट मे हैपन डैट, ये हो सकता है कि द कैंडिडेट्स हु वर एब्सेंट इन पेपर 2 विच वॉज मैंडेटरी मेन also get shortlisted for document verification, such candidate are therefore not required to appear in document verification। मतलब जो पेपर 2 में appear नहीं थे वो document verification के लिए भी appear नहीं होंगे। कैंडिडेट्स हु डू नॉट स्कोर क्वालिफाइंग मार्क्स इन पेपर 2, जो बच्चे पेपर 2 में यदि 17.5 नंबर या 16.5 नंबर आपका जो क्वालिफाइंग नेचर था, 17.5 था जनरल का और 16.5 था अदर कैटेगरी का, यदि उसमें क्वालिफाई नहीं करते हैं तो एज स्पेसिफाइड एंड पेपर 2 ऑफ अबव विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर फाइनल सिलेक्शन, उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। अब देखिए 6 नंबर, नो चेंज इन प्रिफरेंस ऑफ स्टेट या यूनियन टेरिटरी शैल बी अलाउड ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दरमियान में आपको कोई भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी कंडक्टेड बाय रीजनल ऑफिसर्स बिटवीन 25/2/2018 एंड 15/3/2018। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो रीजनल ऑफिसर्स के द्वारा 25 फरवरी से 15 मार्च तक किया जाएगा। द एडमिशन सर्टिफिकेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी अपलोडेड बाय द रीजनल ऑफिसर्स ऑन देयर रिस्पेक्टिव वेबसाइट शॉर्टली। अब उसका कहने का मतलब है कि जो जिस रीजन में आप हैं उस रीजन का साइट खोलें और वहां से अपना एडमिशन सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर लें। अब वो जो डाउनलोड आएगा आपका शॉर्टली, मतलब 2-3 दिन में आपको डॉक्यूमेंट आप क्या कर सकते हैं, आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक द सेम फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन इन द मैटर, और वो रीजनल ऑफिस आप चेक करते रहें। द स्कोर ऑफ द कैंडिडेट वुड बी मेड अवेलेबल टू कैंडिडेट ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट। अब बच्चे क्या क्या मार्क्स लाए हैं वो फाइनल रिजल्ट के बाद दिखाया जाएगा। साफ लिख रहा है कि आप जितना भी मार्क्स लाए हैं, ठीक ना, वो मार्क्स आपका एसएससी के वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट में फाइनल रिजल्ट आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट के डिक्लेरेशन के बाद आपको दिखाया जाएगा कि आप कितना कितना कहाँ कहाँ मार्क्स लाए हैं। ठीक है, अब आता हूं मैं रिजल्ट में। देखिए अब आता हूं मैं कैसे रिजल्ट में, रिजल्ट के लिए फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ देखिए इसी के साथ आएंगे फर्स्ट में 21 फरवरी। देखिए अब यहाँ पे राइट अप तो दिखा दिया, अब दिखाते हैं रिजल्ट। रिजल्ट में क्लिक करेंगे हम, तो रिजल्ट में जैसे क्लिक करेंगे थोड़ा टाइम लगेगा इसको खुलने में। अब देखिए इतना बच्चा टोटल, देखिए 1 से लेके 473 473 पेज है, और इसमें देखिए सबसे पहले दिखा रहा है आपका मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2016 लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो जो क्वालिफाई किया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप अपना रोल नंबर, नाम जो भी हो आप अपना सर्च कर लें। इसमें मैं क्या बताऊँ, बस जिसका जिसका आ गया है नाम समझिए वो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप अवेलेबल हैं, आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगी, ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लें। और यदि नहीं आपका नाम तो इसका मतलब यह है कि आप क्वालिफाई नहीं किए हैं। ओके, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर रोकता हूँ, और अपना ज़रूर से ज़रूर मैच कर लें। सबसे पहले देख लीजिए इतना इतना दिया हुआ है, और जो क्वालिफाई किए हैं मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, और जो नहीं कर पाए हैं तो मैं आशा करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम आप जरूर करेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।